नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान गिरा टिन का शेड, एमएलए ने अपनी गाड़ी से 13 घायलों को पहुंचाया अस्पताल, बीजेपी ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आरंग, भलेरा के शासकीय स्कूल में लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान टिन का शेड गिरने से 13 ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। घायलों को आरंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार को भलेरा के शासकीय स्कूल में अतिरिक्त भवन निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें क्षेत्र के विधायक धनेंद्र साहू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान ही प्रार्थना शेड जो टिन से बना है, वह नीचे बैठे ग्रामीणों के ऊपर गिर गया। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल में अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए विधायक धनेंद्र साहू ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने दुख जताते हुए विधायक धनेंद्र साहू पर आरोप लगाया है कि स्कूल का जो प्रार्थना शेड गिरा है, उसका निर्माण कार्य विधायक की ही देखरेख में हुआ है। पूर्व मंत्री ने निर्माण कार्य में गुणवत्ताविहीन कार्य और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है, साथ ही घायलों को बेहतर इलाज और उचित मुआवजा देने की मांग की है।